उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय चुनाव के लिए सभी प्रत्याशियों ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। वहीं अमरोहा जनपद के जिला पंचायत के वार्ड 15 से समाजवादी पार्टी ने पूर्व प्रधान वीर सिंह चौहान की पत्नी को प्रत्याशी के रूप में घोषित किया है। वीर सिंह चौहान ने कहा कि हम अपने जिला पंचायत के वार्ड में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और वोटरों का रुख अपनी ओर करने में लगे हुए हैं। प्रचार अभियान के तहत पूर्व प्रधान अपने साथियों के साथ गांव-गांव जाकर वोटरों से वोट की अपील करते नजर आ रहे हैं। वही प्रत्याशी के पति वीर सिंह प्रचार के दौरान वोटरों से ये कह रहे हैं कि अगर सभी प्रत्याशियों में वो उन्हें अच्छा लगे तो वोट दे देना, वरना मुझे वोट मत देना। उधर ग्रामीणों का भी वीर सिंह चौहान की तरफ ही रुझान माना जा रहा है। हालांकि जिला पंचायत के वार्ड 15 में सभी प्रत्याशी अपनी जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं। प्रत्याशी हैं वीर सिंह चौहान, इनका चुनाव प्रचार भी सही चल रहा है, क्या उम्मीद रखते हैं आप इनसे? नहीं, क्षेत्र की जनता अच्छे आदमी को चाहती है और अब वैसे भी बदलाव चाह रही जनता। क्या उम्मीद रखते हैं इनसे, जो अगर जिला पंचायत ये यहाँ से जीत हासिल करते हैं? ये वैसे भी बहुत पुराने अपने सामाजिक कार्यकर्ता हैं, क्षेत्र में अच्छी पहचान है, अच्छी छवि के आदमी हैं और यदि जीतते हैं तो विकास जो है बिल्कुल अपना करेंगे, विकास के पथ पे दौड़ना। इनकी हमने हर जगह तारीफ सुनी है तो हमें सबसे पसंद यही कैंडिडेट आए, हम ही नहीं बोलते हैं, हम ही नहीं कामयाब करेंगे और हमने हमारा पूरा समाज पूरा गाँव। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक।